खबर शाहजहांपुर से। दिल्ली के पत्रकारों पर सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही के विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आपको बता दें कि जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा छापेमारी पर विरोध जताया। प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में कांग्रेसियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि केंद्र सरकार के इशारे पर पत्रकारों पर की जा रही तानाशाही कार्यवाही को तुरंत बंद किया जाए ताकि देश की मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन हो सके। मजिस्ट्रेट के सामने ज्ञापन को पढ़ते हुए जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पत्रकार बंधुओं की लड़ाई में हर तरीके से उनके साथ है। इस मौके पर अनूप वर्मा, राकेश मिश्रा, सईद अंसारी, गौरव त्रिपाठी, रफी उल हसन, संजय सक्सेना, सुनीता सिंह, पवन मिश्रा, बिंदेश्वरी राज, प्रमोद पांडे, परवेश व समस्त कांग्रेसी जन मौजूद रहे। भारत टीवी से जिला संवाददाता श्रीपाल की रिपोर्ट।